मिनट। सुधियो। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। If you don't mind, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? सुबोली, फिर से बोल। साथ में चलूं और क्या करूं, वहाँ पे जाके फूल लगाऊं? पता है मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर तुम साथ रहोगे तो। तुम आज सच बोलने जा रही हूँ, और जो सच बोलता है ना उसे भगवान की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो सच बोलने की हिम्मत आएगी, शायद वो मेरे सच को एक कहानी समझे। अगर तुम मेरी फैमिली को समझाओगे तो वो लोग मेरी बात पर जरूर यकीन करेंगे। प्लीज मान जाओ ना। तुम्हारे साथ चलने में मेरा क्या फायदा? मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज तुम मेरे साथ चलो, चलो ना। ए भास्कर गांडी, रुलाएगी क्या? चल ठीक है, आता हूँ पर रात को निकल जाऊंगा। थैंक यू सो मच। ए भाई, जरा लेफ्ट में वो ढाबे पे रोकना। किस लिए? जियो का सिम लेना है, इंडिया का नंबर। तूने बॉस को ये जमीन नहीं बेची ना, अब तेरी कमीटियां ही खोदूंगा। भाई एकदम चौकस नंबर चाहिए। एड्रेस प्रूफ है? पासपोर्ट। अगर अब अंगूठा नहीं लगाए तो काट देना। क्या देख रहे चल भाग। कबर मेरे हाथों खुदेगी, उसे मेरे पास लेकर आ। मेरे पास लेकर आ। पिताजी को दिए हुए वचन को पूरा करने का वक्त आ गया है। लाओ मेरे पास, जल्दी कराओ। चलो रे। ए भाई, हाँ सर। मीटर की तरह फास्ट चलाना, रात को मेरे को वापस भी आना है। गाना भाई, अगर और तेज भगाया तो कर्नूल की जगह काशी पहुंच जाएंगे। ऐसा क्या? भैया लगता है साले की गाड़ी खराब हो गई है। अबे रुक साले, आराम से चला, आराम से चला। सर ठीक हो गई। भैया लगता है साले की गाड़ी ठीक हो गई है। तो देख क्या रहा है। ए भाई, तू अपने पेट्रोल की टंकी फुल कर, मैं अपनी टंकी खाली करके आता हूँ। किसी को इतना बेचैन होता है पहली बार देखा है। और बोलो केम जो, धंधा पानी सब सही? ओए पहले तेरे को खर्चा पानी तो दे दे, चल भाई के पास चल। डिलीवरी बॉय तू अपनी औकात मत भूल, इस पैकेज को डिलीवर करने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, समझा? क्या
मरना है तुझे। ये आंधी से उसकी रफ्तार नहीं पूछते और सुनामी से उसकी लहर की ऊंचाई नहीं पूछते, चुपचाप वहाँ से खिसक लेते हैं। फिर भी अगर मन में सवाल ज्यादा है फुदक रहा है तो एक डेमो देता हूँ कि तुम्हारा क्या हाल करूंगा। तुम्हारे बॉस के बीच एक अग्रीमेंट हुआ है पर उसका टाइम अभी नहीं आया, उससे पहले मुझे कुछ और काम निपटाने हैं। अगर उससे पहले आए तो उसे अग्रीमेंट की बत्ती बना के घुसा दो। तुम लोगों से बात करना फिजूल है, तुम्हारा बॉस तुम्हें रोज भेजता रहेगा। एक काम करो, मेरा नंबर लिखो, जल्दी नोट करो, 9703322555 नंबर आज ही अलॉट हुआ है, इसलिए एक्टिवेट होने में 24 घंटे लगेंगे। तब तक वेट करने का। मुझे बेचा है पटेल ऑन सेल, 50 लाख की बोली लगाई थी मैंने, अब वो मेरी प्रॉपर्टी है। मुझे लगा इंडिया पहुंचते ही वो मेरे घर आएगा, मगर उसने मेरे आदमियों को मारा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, बुला उसे। कहाँ है? वो मेरा बेटा बेटा नहीं है, भूल गया तूने क्या कहा था? अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो जाके किया हुआ अपना वादा निभा, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब मर। नमस्कार।
मुझे लगा तुम हमें लेने के लिए मर्सिडीज भेजोगे। देखो ना छोटी कार में दूल्हे की क्या हालत हो गई है। नमस्ते भाई, सब ठीक है ना? क्या बात है, आजकल बहुत मर्डर कर रहा है भाई। पहले ये बताओ कब्जे वाली जमीन का क्या हुआ? 50 करोड़ में डील डन। मेरे भाई से शादी करवाते तो दहेज में तुमको एक कौड़ी नहीं देनी पड़ती, साथ में तुमको शांति चौक का एरिया और 5 दारू की भट्टी ऐसे ही दे देता। हीरा छोड़ के तुमने पत्थर को चुना। नरसिंह भाई, मैं तो अपने पिता से किया वादा निभा रहा हूँ। बहन की शादी ऐसे पढ़े लिखे लड़के से करवानी थी जो विदेश में रहता। इतनी सी बात? मेरा भाई फॉरन आते जाते रहता है, हर महीने काम के सिलसिले में दुबई बैंकॉक। मेरी बहन की शादी में आए हो, खाना खाओ, आशीर्वाद देके निकलो। मैं पहले ही टेंशन में हूँ, जाओ वहाँ बैठ के शादी देखो। चलो, अरे जाओ बैठो ना। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणपत ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगल। भाई, दूल्हा भाग गया और ये लेटर छोड़ के गया। क्या बात है, मजा आ गया बाबा। पंडित को बोलो पड़ेगा। ए साले गोविंद, सॉरी सर, मैं नहीं बोल रहा, ये लेटर भी लिखा है। तू ठहरा अंगूठा छाप जाहिल गुंडा। मैं इंटेलिजेंट एजुकेटेड बंदा, लेवल मैच ही नहीं होगा। क्या बोला था? पिता की आखिरी इच्छा है, उम्र भर किया हुआ पाप धोने के लिए मैं एक बलि का बकरा मिला था तुम लोगों को। अकल घास चरने गई थी तेरी। रात को पानी में 4 बादाम डुबो के खाया कर, मगर चलने लगेगा, समझा? तेरी बहन के चक्कर में मेरी बहुत नौकरियां छूट चुकी हैं, इसलिए अब मैं तेरी बहन को ही छोड़ रहा हूँ और हूँ फाइनली अमेरिका जाऊँ छू। और तुझसे जो मैंने पैसे लिए थे उसे सूद समेत वापस कर दूंगा, पर ये शादी करके अपनी जिंदगी तेरे पास गिरवी नहीं रखूंगा। तेरी तरह मैंने मर्डर्स या जमीन पर कब्जा करने में पीएचडी नहीं की है, ईमानदारी से पैसे कमाने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए वेट करने का। गोविंद भाई, टेंशन नहीं लेने का, उस हवन की आग से ज्यादा गर्मी मेरे भाई में, उसे शांत होने से पहले तेरी बहन की शादी मेरे भाई से करवा दे। देवी, इस ड्रामे का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, मुझे अपने बाप की कसम, आने वाली 7 पीढ़ियों की कसम। यहाँ बैठे सब लोग ध्यान से सुन लो, मेरी बहन का होने वाला पति पटेल ही होगा। दुनिया के सामने खोई हुई इज्जत पाने का इससे अच्छा मौका हमारे पास और कोई नहीं है। वो तुम्हारी बात मानेगा? तुम उसके बारे में अभी जानते ही कहाँ हो, तुम उसे यहाँ लेकर तो आओ। उसे हाँ करवाने की गारंटी मेरी है, पर उसके लिए तुम्हें पूरे 20 लाख रुपए देने होंगे। चलो बे।